वेलकम स्टूडेंट्स ये हमारे फेज़र्स और फेज़र डायग्राम के लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई बटन पर जा कर के वो लेक्चर देख सकते हैं ठीक है और अगर आपने देख लिया है तो इसको आप कंटिन्यू करिए आपको अच्छी तरीके से सब चीज़ें समझ में आएंगी तो लेक्चर वन में हमने देखा था कि हम कुछ जो हमारे एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ कि लेक्चर वन में हमने क्या किया था फेज़र डायग्राम और वेव डायग्राम के बीच में हमने रिलेशन को देखा था कि हमारा जो आ, क्या था साइनोसोडल वेव फॉर्म है ठीक है इसका हम किससे चेंज करते हैं इसको हम फेज़र में चेंज कर रहे हैं ठीक है तो फेज़र में जो चेंज किए उसके बाद हमको ये फेजर डायग्राम मिलता था इस तरीके का क्लियर है तो हम इस लेक्चर में अभी इस वाले लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे साइनोसोडल वेव फॉर्म को सिम्प्लीफाई किया जाएगा फेज़र में ठीक है तो इसको हम देखते जाते हैं आप अच्छी तरह से समझते जाइएगा डायग्राम्स आएंगे उसको ड्रॉ करते जाइएगा क्लियर है तो अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू सिंपलीफाई अ साइन वेव अ साइन वेव हैज़ ओनली वन फ्रीक्वेंसी साइन वेव की हमेशा क्या होती है एक फ्रिक्वेंसी होगी सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सिंपली चूजिंग अटेबल पॉइंट ऑन अ हॉरिजेंटल लाइन मान लो ये हॉरिजेंटल लाइन किसको बता रहा है फ्रीक्वेंसी को ठीक है तो इसका किसी भी एक पॉइंट पर क्या होगा साइनसोडल फ्रीक्वेंसी होगी मान लो 50 हर्ट्ज है तो एक 50 हर्ट्स के पॉइंट पर हो जाएगा वहाँ पर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को पॉइंट से दिखा सकते हैं द साइन वेव द साइन वेव विल हैव अ पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड अब देखिए साइन वेव का क्या होता है पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड होता है उसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं ठीक है या आर वैल्यू हो सकता है एक है ना आर एम एस वैल्यू क्या होता है वी एम बाई रूट टू पीक वैल्यू बाई रूट टू या पीक वैल्यू लीजिए या फिर आर एम एस वैल्यू लीजिए है ना कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक वर्टिकल लाइन खींच लिया जाता है ठीक है और एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है मान लो ये हमारा साइनोसोइडल वेव है इसका एम्पलीट्यूड क्या है ये इसका पीक वैल्यू ये है ठीक है ये निगेटिव पीक वैल्यू है तो इसको सिर्फ एक हमने लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया और फ्रीक्वेंसी को उस पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है इस तरीके से साइन वेव को सिंप्लीफाई किया जाता है पहला फ्रीक्वेंसी को एक पॉइंट से और दूसरा उसके एम्पलीट्यूड को एक लाइन से हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है अब सो द कॉम्प्लेक्स डाइ ड्राॅइंग ऑफ अ साइन वेव शेप कैन बी सिंप्लीफाइड टू जस्ट अ कपल ऑफ स्ट्रेट लाइन्स जैसे यहां पर हमने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया वन रिप्रेजेंटिंग अ फ्रीक्वेंसी जिसमें से एक जो है पॉइंट है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड अदर शोइंग द एम्पलीट्यूड जो लाइन है वर्टिकल लाइन है जो एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ठीक है टू ड्रॉ अ फेजर डाइग्राम देट कैन रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ साइन वेवस अगर यहाँ पर तो एक ही हमको साइन वेव को रिप्रेजेंट करना था तो हमने कर दिया लेकिन अगर हमारे पास क्या है बहुत सारे नंबर ऑफ साइन वेव्स हैं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है जिसकी सबकी फ्रिक्वेंसी एक ही है है ना तो कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे अगर सबकी फ्रिक्वेंसी सेम है तो है ना बट विथ डिफरेंट फेज रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी तो सेम है ये मैं मान गया फ्रीक्वेंसी क्या है सेम है लेकिन उनके जो फेज़ हैं वो अलग अलग हैं जैसा कि हमने इंडक्टर में देखा था तो इंडक्टर में देखो दो वेव फॉर्म थे वोल्टेज और करेंट थे अब उनके बीच का जो फेज शिफ्ट था वो कितना है नाइन्टी डिग्री का था वैसे ही कैपेसिटेंस में था उसमें भी नाइन्टी डिग्री का था तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं फेज़र्स को यूज़ करते हैं फेज़र कुछ भी नहीं है एक ग्राफिकल वे है रिप्रेजेंटिंग द साइन वेव्स ईच हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम विथ डिफरेंट फेज रिलेशनशिप तो उसको हम लोग क्या करते हैं फेजर के थ्रू रिप्रजेंट करते हैं चलिए देखते हैं आगे फेज़र का डेफिनेशन है अ फेज़र इज अ स्ट्रेट लाइन ड्राउन इन सच अ वे दैट इट्स लेंथ इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइन वेव इट्स एंगुलर पोजिशन रिलेटिव टू अदर फेजर इज रिलेटेड टू द फेज डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटीज देखिए ये मान लो हमारा एक फेज है इस पॉइंट से अपन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किए अब मान लो ये वोल्टेज का वेवफॉर्म फॉर्म है ठीक है और ये क्या है करंट का वेवफॉर्म फॉर्म है तो अगर आप इसको एक सर्कल के फॉर्म में देखो ये इमेजनरी सर्कल है तो इनके बीच कुछ ना कुछ क्या है फेस शिफ्ट है मान लो नाइन्टी डिग्री का फेस शिफ्ट है इसीलिए जो एंगुलर पोजीशन है वोल्टेज और करंट की ये दोनों क्या है अलग अलग है यहां उसी को बताया है। और जो इनका एम्पलीट्यूड है वोल्टेज का ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है ये ये क्या बता रहा है इसके एम्पलीट्यूड को बता रहा है करंट के लिए ये लाइन क्या बता रहा है इसके एम्पलीट्यूड को बता रहा है बस और फेजर डाइग्राम क्या है एक स्ट्रेट लाइन है समझ में ही बात अब इसके रिलेशनशिप को हम देखेंगे कि किस तरीके से ये रिलेट होते हैं एक दूसरे से द फेजर रिप्रेजेंटेड बाई द एरो ठीक है फेजर इसमें किसमें इस वीडियो को मैं जब चलाऊंगा तो आपको देखना है कि जो फेज़र है वो रिप्रेजेंट होते हैं एरो से समझ में आई बात और वो कैसे होते हैं रोटेटिंग होते हैं किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉक में आपको देखना है डिस्क्राइब करते हैं किसको? साइन वेव को और ये बताते हैं कि वो साइन वेव रोटेट हो रहा है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ठीक है तो हम यहाँ पे देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अ फेज़र एंड सिंगल साइन वेव चलिए शुरू करते हैं देखिए ये हमारा क्या है ग्रीन कलर में साइन वेव है और राइट साइड में हमारा फेजर डायग्राम है और इसमें जो लाल कलर के जो डॉटेड लाइन बन रही है पॉइंट बन रहे हैं ये किसको बताते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताते हैं साइन वेव के और उस टाइम पर जो फेज एंगल बन रहा है ठीक है उस टाइम पर जो फेज एंगल बन रहा है वो क्या बताता है फेस शिफ्ट को बताता है दूसरे किसके दूसरे फेज़र क्वांटिटी से है ना दूसरे जो साइन वेव होंगे उसके साथ जो फेस डिस्प्लेसमेंट है उसको बताता है ठीक है इसका जो वन साइकल है जीरो से थ्री सिक्सटी तक है फिर से मैं प्ले कर देता हूँ एक बार और देख लीजिए इस तरीके से हमारा जो साइन वेव है जीरो से वन एट थ्री सिक्सटी तक जाता है देखिए हमारा फेज़र डाइग्राम जा रहा है ठीक है इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है और हमारा जो फेजर डायग्राम है वो एंटी क्लॉक वाइज में रोटेट होता है इसीलिए हम लोग फेस को किस में लेते हैं एंटी क्लॉक वाइज में देखते हैं उसमें पॉजिटिव बोलते हैं क्लियर हुआ चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं नोट दैट एट एनी पॉइंट इन टाइम द लेंथ ऑफ जो अभी हमने वीडियो देखा उसी की बात हो रही है एट एनी पॉइंट इन टाइम द लेंथ ऑफ द रेड डॉटेड उसमें जो रेड डॉटेड लाइन थे वो रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वेव इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं वेव की साइन वेव की द लेंथ ऑफ द फेज़र रिप्रेजेंट्स द एम्प्लीट्यूड ऑफ द वेव जो फेजर का जो लेंथ था एरो वाला डायग्राम था एरो था जो वो रिप्रेजेंट करता है वेव के एम्पलीट्यूड को द एंगल ऑफ फेजर जो फेज़र का जो एंगल बन रहा है गिव्स द फेज ऑफ द वेव फॉर्म वो वेव फॉर्म के फेज को बताता है इंक्रीमेंट इन फेज एंगल इन द सर्कुलर डाइग्राम देखो जो सर्कुलर डाइग्राम हमने देखा राइट right साइड में जो डाइग्राम था ठीक है जिसमें हमारा फेज़र एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था तो उसमें अगर फेज़र फेज के एंगल में इंक्रीमेंट होता है तो वो इक्वेलेंट होता है टाइम और एंगल इंक्रीमेंट के एलोंग द हॉरिजोनटल एक्सिस ऑफ वेव फॉर्म डाइग्राम देखो इसमें जो राइट वाला डायग्राम देखो जो एरो घूम रहा है एंटी क्लॉकोज डायरेक्शन में तो इसका जो आपको एंगल दिख रहा है देखो थ्री सिक्सटी से आगे बढ़ा एंगल बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है और इधर देखो टाइम वेव में हॉरिजॉन्टल लाइन पे वेव बढ़ते जा रहा है तो एक दूसरे के क्या है ये सिमिलर है इसी को बताने की कोशिश किया है सो विथ दिस एडिशन ऑफ एंगुलर इंफॉर्मेशन द फेजर गिव्स अ रिलेटिवली सिंपल वे फेज़र क्या बताता है एक आसान तरीका बताता है टू शो द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन साइन वेव्स इन एन सर्किट किसी एसी सर्किट में अगर एक से ज़्यादा साइन वेव है फ्रिक्वेंसी सेम है लेकिन उनके फेज फेज फेजेस मतलब फेज एंगल्स डिफरेंट हैं तो उनको आसान तरीके से रिप्रेजेंट करना ही क्या है फेज़र डाइग्राम है फेज़र डाइग्राम के हेल्प से हम वो काम कर सकते हैं इसके बाद मैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा जो फेज़ हमारा रोटेट कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ठीक है एक बार और आपको दिखा देता हूँ जो यहाँ पे राइट साइड में डायग्राम है जहाँ पे फेज़ हमारा रोटेट कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसका स्पीड क्या है कितना टाइम लग रहा है इस फेज़र को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में एक रिवॉल्यूशन का मतलब है जीरो डिग्री से लेकर के थ्री सिक्सटी डिग्री तक कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लग रहा है तो वो एंगुलर वेलोसिटी को हम देखेंगे चलिए रोटेटिंग स्पीड एट रोटेट्स अबाउट द ओरिजिन पॉइंट विल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव वेव जैसे साइन वेव है मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी हमको कितनी दी हुई है 50 हर्ट्स तो इस 50 हर्ट्स पर डिपेंड करेगा कि उस जो फेज़र जो रोटेट कर रहा है उसकी स्पीड क्या होगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इन वन सेकेंड द फेज़र विल रोटेट थ्रू एफ रिवॉल्यूशन्स इसका मतलब है अगर हमारा एफ़ कितना है फिफ्टी हर्ड्स है तो हमारा जो फेज़र है वो एक सेकेंड में पचास रिवॉल्यूशन कम्प्लीट करेगा मतलब पचास बार गोल गोल वो कम्प्लीट चक्कर लगाएगा पचास चक्कर लगाएगा एक सेकंड में अगर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है साइनोसोडल वेव की 50 हर्ट्स और थ्रू एफ़ इंटू थ्री डिग्री ठीक है मतलब कि जो इसका रोटेशन होगा वो होगा एफ़ इंटू थ्री सिक्सटी डिग्री डिग्रीज़ में अगर हम देखें तो 50 गुड़े छत्तीस सौ सो, सॉरी थ्री सिक्सटी तीन अगर 50 को 360 से गुणा कर दें तो डिग्री आ जाएगा उतने डिग्री हमारा जो फेज़र है वो रोटेट कर चुका होगा इन कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सच रोटेशंस इन इन्वॉल्विंग सच रोटेशंस इट इज़ मोर कॉमन टू यूज़ द एंगुलर यूनिट दैट इज़ रेडियन एंगुलर जब हम एंगल्स को बताते हैं तो उसमें डिग्री की बजाय और भी एक टर्म यूज़ होता है जो होता है रेडियन ये भी एक यूनिट है तो अगर 360 डिग्री है तो उसका मतलब होता है 2 पाई रेडियन और अगर वन एटी डिग्री है उसका मतलब होता है पाई रेडियन और अगर नाइन्टी डिग्री है तो उसको बोलते हैं पाई बाई टू रेडियन द फेज़र कैन द फेज़र कैन देयर फॉर बी सेट टू रोटेट थ्रू टू पाई एफ रेडियन पर सेकेंड इसीलिए जो हमारा यहाँ पर हमने निकाला था यहाँ पे 360 को क्या बोले हैं हम लोग टू पाई ठीक है और यही क्या बता रहा था हमारा स्पीड को बता रहा था कि कितने स्पीड से हमारा जो फेज़र है वो रोटेट होगा तो हमारा जो स्पीड हो गया वो क्या हो गया है टू पाई इंटू एफ और वो जो स्पीड है वो क्या है एंगुलर है वेलोसिटी कैसी है हमारी स्पीड मतलब वेलोसिटी वो क्या हो रही है एंगुलर हो रही है तो एंगुलर होने की वजह से उसका नाम होता है एंगुलर वेलोसिटी और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से इसीलिए हमारा जो ओमेगा होता है वो क्या होता है ओमेगा इक्वल टू टू पाई एफ ठीक है समझ में आई बात क्लियर हुआ वेरी गुड तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड लेक्चर था इसमें हमने आपको फेजेस के बारे में बताया है फेजर के बारे में बताया है और इसके आने वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट uh, जो टॉपिक्स हैं उसको क्रिएट करेंगे इसके बाद में आपको अगले लेक्चर में रूल्स बताऊंगा कि जिस रूल के थ्रू आप फेजर डाइग्राम को ड्रॉ करेंगे कुछ चार पांच रूल हैं उसको ध्यान में रखना है उसके बाद आप किसी भी तरह के फेजर को ड्रॉ करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए थैंक यू